गुजरात का चुनावी रण भीषण होता जा रहा है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। गुजरात में रैलियों का रेला है, वार पलटवार तेज हो गया है। गुजरात के सियासी बिगुल में बीजेपी के किले को बचाने की जिम्मेदारी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर उठाई है। गुजरात में मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। कांग्रेस नु मॉडल एटले अरबो खरबो नो भ्रष्टाचार, कांग्रेस नु मॉडल एटले एनी मॉडल नी एक जो खाण भाई भतीजावाद, कांग्रेस नु मॉडल एटले वंशवाद, कांग्रेस नु मॉडल एटले परिवारवाद, कांग्रेस नु मॉडल एटले जातिवाद, कांग्रेस नु मॉडल नी पहचान संप्रदायवाद, वोट बैंक पॉलिटिक्स आज कांग्रेस नी पहचान। भारत माता की। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं। हिंदुत्व से लेकर विकास तक के मुद्दे पर विरोधियों को घेरने की कोशिश हो रही। राहुल बाबा रोज मने पूछे 2014 ना इलेक्शन मा मुं पार्टी नो अध्यक्ष हतो, कायम के मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। लो राहुल बाबा, आज तमने तिथि कही दो, 1 जनवरी 2024 ने अयोध्या ने टिकट कराई दो, गगन चुंबी राम मंदिर तैयार हो। एक रसोई घर जिसमें गैस का चूल्हा है, एक शौचालय इज्जत घर, एक कोर्टयार्ड, इसके साथ 15 लाख घर गुजरात में और 3,60,00,000 घर सारे देश में बना के दिए। और उनका सपना है कि कोई भी पक्के छत के बगैर इस देश में नहीं रहेगा, यह कल्पना लेकर के चले। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी लगातार गुजरात के दौरे पर हैं। आज योगी आदित्यनाथ द्वारका पहुंचे, जहां दर्शन के बाद उन्होंने सियासी हमला बोला। जनता की आस्था की प्रतीक भगवान द्वारकाधीश को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि हमारे मथुरा वृंदावन के कान्हा को आपने द्वारकाधीश बना करके लोग पूज्य बना दिया। गुजरात चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल के साथ राघव चड्ढा और भगवंत मान ने कमान संभाल रखी है, जो गुजरात में सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। बहरहाल हर पार्टी ने चुनाव में जोर लगा रखा है। किसी को किला बचाना है तो किसी को पैर जमाना है, और कोई अपनी जमीन तलाश रहा है। आज तक ब्यूरो।